चौका की शुरुआत करते हैं। आशीष बहेती जी, आपका सस्ता ऑप्शन। जी अनु जी, सीमेंट में अंबुजा सीमेंट पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मूव वैसा नहीं मिला है जैसे पूरा सीमेंट सेक्टर चल रहा है, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल बना हुआ है, क्योंकि स्टॉक ने कल ही 20 टाइम अपना अप्रोच किया है। तो 640 की जो कॉल है 13 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजिशन बनाने की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 9 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे, और हमें लगता है कि यहाँ से जो पहला टारगेट देखने मिलेगा 1900 और सेकेंड टारगेट 24 के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, अंबुजा की इस कॉल ले लीजिए। चलिए अब शिवांगी के पास चलते हैं FNO सुपर स्टार के लिए। शिवांगी, बताइए आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, मैंने चुना है MGL। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है, और यहाँ पे लॉन्ग्स एडिशन होते हुए दिख रहे हैं उस मूव के बाद, और एक फॉलो अप एक्शन स्ट्रॉन्ग है। RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। अपने एक प्रीवियस जो एक यू नो हर्डल जोन हुआ करता था 1890 के आसपास, उसको सरपास करके स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से अब तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहा है। वीकली बेसिस पे भी काफ़ी एक अच्छा ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे 1965 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, और 1850 के एक स्टॉप के साथ। ओके, माना अगर गैस आपने पिक किया 1890 पर, अब चलते हैं अमित जी के पास चार्ट के चमत्कार पिक। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विरन जी, आज के मॉर्निंग का काफ़ी एक क्लीन ब्रेकआउट SRF में ही नज़र आ रहा है। SRF ने काफ़ी दिनों के अपने कैंडल के हाइज को क्रॉस किया है, लगभग 2635 का प्राइस है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा राउंडिंग बेस भी बनाया है, और फाइनली उस बेस से बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2700 एंड स्टॉप लॉस विल बी 2590। ओके, SRF 2637 पे ये बाय कॉल है, और चलते हैं अमर जी के पास आज का मिड कैप एंड पिक करने के लिए। अमर जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं फार्मा स्पेस से पिरामल फार्मा को मिड कैप पर्सपेक्टिव से रेकमेंड कर रहा हूं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें अभी फिलहाल यदि मैं क्वार्टरली देखूं तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स तो नेगेटिव थे, बट ओवरऑल जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, बिकॉज कंपनी ने अपने जो एक्सपेंड कैपेसिटीज हैं उनको तेलंगाना में, गुजरात में एक्सपेंड किया है, और आने वाले समय में द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट राइज इन सेल्स। और यदि मैं अभी फिलहाल देखूं तो कंपनी इज बिल्डिंग अप, तो ये एक स्टॉक है फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पिरामल फार्मा को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज प्राइमरली ये जो कंपनी है ये 3-4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जेनरिक्स में है और वो भी क्रिटिकल केयर में है, इसके अलावा कंज्यूमेबल हेल्थ केयर में है, और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये तीनों सेक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं कंपनी को इसमें फायदा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि इस स्टॉक में, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं पिरामल फार्म। ओके, पिरामल फार्मा आपके स्क्रीन पे ये है आज की एक कॉल, और जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे चारों ट्रेड्स रखिए। मीनवाइल जरा रेमंड लाइफस्टाइल को लेकर आइएगा, याद रखिएगा अब जो लाइफस्टाइल कारोबार की आज लिस्टिंग हुई है वो शेयर करीब 3000 पे सेटल हुआ है। ये ट्रेड्स थे आज के। आशीष बहेती जी ने पहला ट्रेड पिक किया मुझे 7640 कॉल ऑप्शन विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 1924-9 का स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेड आया था दूसरा शिवांगी जी का महानगर गैस फ्यूचर्स, आज का सुपरस्टार 1965 के 1850 के स्टॉप लॉस के साथ 1892 पे ट्रेड करता हुआ। तीसरा ट्रेड था SRF फ्यूचर्स, अमित जी ने पिक किया चार्ट के चमत्कार में 2700 के लक्ष्य के लिए, 2638 पे ट्रेड करता हुआ 2590 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी अमर जी ने पिरामल फार्मा को पिक किया 2780 पर बाय कॉल। रेमंड्स लाइफस्टाइल 3000 पे